नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सर टेलीकॉम आपका चैनल। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि एक चार्जिंग सर्किट में कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं। आज सिर्फ नॉर्मल कंपोनेंट की बात कर रहा हूं दोस्तों, और वो कंपोनेंट कैसे चेक करते हैं। जी हाँ, देखिए हमारे साथ एक स्टूडेंट है जो महाराष्ट्र से आए हुए हैं। आप कहाँ से आए हुए हैं? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कहाँ से? महाराष्ट्र से अमरावती से। तो अमरावती से महाराष्ट्र स्टूडेंट आए हुए हैं, तो चलिए ये आपको बताएंगे कि पीसीबी में ये कौन कौन से कंपोनेंट लगे हुए हैं और वो क्या काम करते हैं, और बेसिकली ये चीज बताएंगे कि ये जो चार्जिंग सर्किट है दोस्तों वो काम कैसे करता है। तो बेसिकली उसका सर्किट भी ये आपको समझाएंगे। तो चलिए बताइए ये क्या लगा हुआ है? सबसे पहले ये ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है। ये क्या काम करता है? ये एसी से डायरेक्ट अपने को पावर लेता है। हाँ, और अपने को 5 से 6 के इसमें वोल्टेज में दे देता है। मतलब ये क्या करता है, ये एसी लेता है 240 वोल्ट और उसको 5 से 6 वोल्ट में बदल देता है। मतलब ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है। कौन सा लगा हुआ है? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, जो एसी से, जो एसी को 240 वोल्ट से 5 से 6 वोल्ट में बदल देता है। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है। उसके बाद में चलिए मुझे ये बताइए ये क्या लगे हुए हैं? ये कैपेसिटर लगे हुए, ये कैपेसिटर लगे हुए हैं। ये क्या काम करते हैं? ये विद्युत धारा को फिल्टर करते हैं। एक मिनट, फिर से बोलो। ये स्मूथ करते हैं, ये करंट को क्या करते हैं? स्मूथ करते हैं करंट को। तो चलिए ये हो गया आपका कैपेसिटर। ये वोल्टेज कैपेसिटर होता है बेसिकली, इसको कंडेंसर बुलाया जाता है दोस्तों, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम बात करेंगे ये काले काले क्या लगे हुए हैं? ये डायोड लगे हैं। डायोड लगे हुए हैं। डायोड क्या काम करता है? डायोड एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। वेरी गुड, ये डायोड एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। इसमें प्लस माइनस कहाँ पर होता है? इस पे जहाँ पे ये सिल्वर कलर के जहाँ पे पट्टी रहेंगी वो माइनस रहेगा, और जहाँ पे ब्लैक पूरा रहेगा वो प्लस होगा। मतलब जहाँ ये पट्टी होती है सिल्वर कलर का वो माइनस होगा, जहाँ पे ब्लैक कलर का होगा इसका प्लस होगा दोस्तों। तो ये डायोड होता है, ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ये काहे के लिए लगा होता है? ये क्या होता है? तीन टांगों का ये ट्रांजिस्टर है। ये ट्रांजिस्टर तीन टांगे का होता है, और ये काम क्या करता है? ये बैलेंस करता है विद्युत धारा, ये वोल्टेज को बैलेंस करता है। मतलब वोल्टेज को बढ़ने नहीं देता है, ये बैलेंस में रहता है, फ्लक्चुएट नहीं करने देता है। और ये इसमें तीन टांगे होती हैं। तीनों टांगों में कौन कौन सी टांगे होती हैं इसमें? इसको सीधा करो जरा। इसकी जो तीन टांगे होती हैं उसमें तीनों टांगों में, नहीं थोड़ा नीचे कर लो, तुम नीचे कर लो उसको, और नीचे करके इसको थोड़ा सा इसको ऐसा सीधा कर लो इस तरह से। चलिए ऐसे, चलिए। तो इसमें तीन टांगे होती हैं, और ये तीन टांगों में आपको दिख रहा है, तो इसमें बीच वाली टांग कौन सी होती है? ये बेस होती है, और इधर उधर एमीटर और कलेक्टर होता है दोस्तों। ये तो इसको चेक करने पर इसको पता चलता है। तो चलिए ठीक है, अब देखिए ये क्या लगे हुए हैं? ये क्या लगे हुए हैं? रजिस्टर लगे हुए हैं। ये रजिस्टर लगे हुए हैं, चलिए दिखा दीजिए। इनको कार्बन कोड रजिस्टर कहा जाता है दोस्तों। ये कार्बन कोड होते हैं, जो यहाँ पर आपको देख रहे हैं पट्टियां, ये कोड की तरह होती है। इनका हर एक का एक सीरियल नंबर होता है, स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, इस तरह से इसको हम पढ़ते हैं। तो ये कार्बन रजिस्टर होते हैं। ये क्या काम करते हैं चार्जिंग सर्किट में? ये अवरोधक का काम करते हैं। ये काय का काम करते हैं? रोकते हैं, करंट को कम करते हैं। करंट को क्या करते हैं? स्लो करते हैं, कम करते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, ये क्या लगा हुआ है ये बताइए? ये ऑरेंज वाला, ये कैपेसिटर है। ये कैपेसिटर लगा हुआ है, पर ये कैपेसिटर सिंपल कैपेसिटर है, जिसमें प्लस माइनस नहीं होता है। ये सेरेमिक कैपेसिटर बोलते हैं इसको, हाँ सेरेमिक कैपेसिटर बोलते हैं। और यहाँ पे एक और कैपेसिटर लगा हुआ है, और ये जो कैपेसिटर है इसमें प्लस माइनस होता है। क्या होता है इसमें? प्लस माइनस होता है। कैपेसिटर डीसी को स्टोर भी करता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं ये जो आपका सर्किट है किस तरह काम करता है। सबसे पहले वोल्टेज कहाँ पर आता है? सबसे पहले वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर पे आता है, जो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, जो आपके वोल्टेज को क्या कर देता है? कम कर देता है। कितना कर देता है? 5 से 6 वोल्टेज कर देता है, जो एसी होता है, जो एसी ही वोल्टेज होता है। पर उसके बाद में वो रेक्टिफायर मतलब डायोड में जाता है, और वो एसी से डीसी हो जाता है, और डीसी हो जाने के बाद में ये फिल्टर मतलब जो कैपेसिटर लगे हुए हैं वो क्या काम करते हैं? रोकते हैं उसे। वो कैपेसिटर उसको फिल्टर करते हैं, करंट को स्मूथ करते हैं। करंट को क्या करते हैं? स्मूथ करंट को स्मूथ करते हैं। और स्मूथ हो जाने के बाद में ये जो लगा होता है ट्रांजिस्टर, ये उसको करंट को रेगुलेट करता है, करंट को बैलेंस करता है, फिक्स करता है। और उसके बाद में जो हमने ये लगाए हुए हैं, ये रजिस्टर लगे होते हैं, ये जहां करंट फ्लक्चुएट होता है, मतलब जहां ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है, उसको कम करता है, ठीक है। इस तरह से सर्किट काम करता है। चलिए दोस्तों आइए मैं आपको इसका सर्किट समझा देता हूँ, दिखा देता हूँ एक बार। तो यहां पर आप देख रहे हैं, तो चलिए इसका सर्किट हम आपको दिखा देते हैं। तो चलिए बताइए यहां पर,
तो यहाँ पर एसी लाइन में 240 वोल्ट आ रहा है, ट्रांसफॉर्मर कहाँ लगा हुआ है सबसे पहले बताइए। सबसे फर्स्ट लगा हुआ, सबसे पहले ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है, ट्रांसफॉर्मर से 240 वोल्ट से 5 से 6 वोल्ट में कन्वर्ट होता है, उसके बाद में एक रेक्टिफायर लगा हुआ है। रेक्टिफायर में क्या लगा होता है, रेक्टिफायर में क्या लगा होता है, रेक्टिफायर में डायोड लगा हुआ रहता है सबसे पहले। रेक्टिफायर में क्या लगा होता है, डायोड लगा होता है, उसको से अटैचमेंट करना, ठीक है ठीक है। डायोड लगा होता है और डायोड रेक्टिफायर क्या कर रहा है, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। मतलब सबसे पहले एसी लाइन 240 वोल्ट उठा रही है, फिर इसको 5 से 6 वोल्ट में डाल रहा है, फिर रेक्टिफायर उसको एसी से डीसी में कन्वर्ट कर रहा है, फिर फिल्टर, फिल्टर में क्या लगे होते हैं, कैपेसिटर। फिल्टर में क्या लगे होते हैं, कैपेसिटर लगे होते हैं, और कैपेसिटर के बाद में वो उसको स्मूथ कर रहे हैं, करंट को क्या कर रहे हैं, स्मूथ कर रहे हैं। और करंट स्मूथ हो जाने के बाद में कहां जा रहा है, रेगुलेटर। रेगुलेटर में कौन सा कंपोनेंट लगा होता है, रेगुलेटर में ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। कौन सा कंपोनेंट लगा होता है, ट्रांजिस्टर लगा होता है। यहाँ पर ट्रांजिस्टर, ये देखिए रेगुलेटर में ट्रांजिस्टर लगा होता है जो वोल्टेज को रेगुलेट करता है, मतलब बैलेंस करता है, और उसके बाद आपको उचित आउटपुट वोल्टेज मिलता है। तो आपको कितना वोल्टेज मिलता है, 5 से 6 के बीच में मिलता है। तो चलिए आइए दोस्तों, आओ इधर। अब यहां पर हम बात करेंगे, चलिए अब हम इसको बात करेंगे इनको चेक करने की। देखिए दोस्तों, अभी हम यहाँ पे इसे बता देते हैं कि चेक कैसे करते हैं, इसको चेक कैसे करना है इसका वीडियो मैं अलग से बना दूंगा। तो चलिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर को चेक कैसे करते हैं, तो वैसे बताइए कैसे चेक करते हैं इस ट्रांसफॉर्मर को। इधर से यहाँ मतलब ट्रांसफॉर्मर में देखिए दोस्तों, दो कॉइल लगा होता है, उन दो कॉइल यहाँ और यहाँ पर आप मल्टीमीटर को बीप मोड पे रखोगे, और यहाँ यहाँ पर आपको क्या नहीं मिलना चाहिए, बीप नहीं आना चाहिए, यहाँ रखने पे आपको बीप नहीं आना चाहिए। चलो दिखाओ चेक करके। तो देखिए मल्टीमीटर को उन्होंने बीप मोड पे लिया और बीप चेक कर लिया उन्होंने, चलिए ठीक है। अब वो ट्रांसफॉर्मर चेक कर रहा है दोस्तों, तो देखिए इन दोनों पर रखने पर, दो कॉइलों में आपको बीप नहीं आना चाहिए और कोई भी रीडिंग नहीं आना चाहिए, मतलब इन दो कॉइलों में कोई भी संबंध नहीं होता है। जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये दो कॉइलों में आपको कोई भी संबंध नहीं होता है, तो यहाँ रखने पे आपको बीप नहीं आना चाहिए ना रीडिंग आना चाहिए बस। हाँ, हालांकि आपको एक कॉइल में रीडिंग बीप आना चाहिए, क्या आना चाहिए, बीप, क्योंकि वो एक ही कॉइल होता है। हाँ चलिए, तो चलिए इसमें देखिए बीप आ रहा है दोस्तों। तो चलिए ठीक है, ये आपका ट्रांसफॉर्मर चेक होता है। और अगर आपको इसको वोल्टेज चेक करना है तो आपको इसको एसी से कनेक्ट करना पड़ेगा, और एसी से कनेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर इसको 20 वोल्ट पे रखेंगे। इसको कहाँ रखेंगे आप, इसको 20 वोल्ट पे रखेंगे, और जब ये चालू रहेगा तब आप इसके दोनों कॉइल को चेक करेंगे। मतलब आप ये चेक करेंगे, इसको ऐसे पकड़ो, नहीं नहीं अभी चेक नहीं कर रहे अपन, जब आप चेक करेंगे कि ये बेसिकली यहाँ पर एक बोल्ट एक जगह पे आपको 240 वोल्ट बताएगा और दूसरी जगह पे आपको 5 से 6 वोल्ट बताएगा, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि प्राइमरी वोल्ट जहां पे 240 वोल्ट आ रहा है वो प्राइमरी होगी, और जहां पे 5 से 6 आ रहा है वो सेकेंडरी होगी, मतलब वो आउटपुट होगा और ये इनपुट होगा। तो ये ट्रांसफॉर्मर सही है दोस्तों। तो चलिए ये हो गया। आप डायोड कैसे चेक करते हैं, ये डायोड चेक करके बताओ। डायोड हाँ बताओ चेक। जहाँ पे प्लस, जहाँ पे सिल्वर कलर का रहेगा वहां पे माइनस रहेगा, और जहाँ पे विदाउट इसका रहेगा वो प्लस रहेगा, प्लस रहेगा। तो इसका सबसे पहले अपन इधर नीचे साइड से करेंगे, चलो इसको आगे से भी कर सकते हैं। हाँ कर लो आगे से, ठीक। तो देखिए यहाँ पे आपको रीडिंग मिल गया है, चलो अब इसको घुमा के लगाएगा तो इसमें रीडिंग नहीं आना चाहिए, मतलब वन साइड रीडिंग आना चाहिए, वन साइड रीडिंग नहीं आना चाहिए। तो देखिए रीडिंग नहीं आ रहा, मतलब डायोड एकदम सही है। चलिए कैपेसिटर चेक करके बताइए, ये कैपेसिटर बताइए चेक करके। तो चलिए दोस्तों ये कैपेसिटर देखते हैं चेक करके। तो चलिए दोस्तों ये कैपेसिटर सबसे पहले हम इस डिजिटल मल्टीमीटर स्मार्ट ट्वीजर से चेक करके देखेंगे। तो देखिए इसको हम स्मार्ट ट्वीजर को इसको हम पहले चालू कर लेते हैं। तो ये हमने चालू कर लिया है, और यहाँ पर हम इसको कैपेसिटर वाले फंक्शन पे ले आएंगे। तो जहां पे आपको दिख रहा है एफ दिखेगा, वो इसका बेसिकली कैपेसिटर वाला फंक्शन है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे एफ दिखाई दे रहा है, तो मतलब ये कैपेसिटर है। चलिए इसको चेक करो। तो सबसे पहले मुझे कैपेसिटर में बताओ कितनी रीडिंग आनी चाहिए। कैपेसिटर में दिखाइए, उस कैपेसिटर में दिखाओ, कैपेसिटर में वो रीडिंग दिखाओ उसका, वो कितना आना चाहिए मान। नहीं बे, उसमें लिखा होता है ना, अपन देखते हैं ना 2.2 माइक्रोफ़ारड, हाँ फैराड, ये कितना फैराड आना चाहिए, एक मिनट। तो ये बेसिकली ये तो उसका, ये तो 40 डिग्री, ये तो सेल्सियस होगा, कितना तापमान झेल सकता है। आप ये बताइए
तो ये 10 वोल्ट का, तो 10 वोल्ट के बराबर ये झेल सकता है, और जो इसकी वैल्यू आनी चाहिए दोस्तों ये 470 बराबर आनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों इसकी वैल्यू लिखी हुई है 470 फैराड, तो ये 470 फैराड आने चाहिए। तो चलो इसको चेक करो सबसे पहले। हाँ हाँ उल्टे से सीधे से ये सामने आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आप तो हाँ दोनों को चेक करो कैपेसिटर में, ये देखो। तो देखिए दोस्तों 470 के बराबर आ रहा है, क्योंकि इसमें प्लस माइनस 5% चलता है, तो बिल्कुल सही है कैपेसिटर। तो चलिए हम इसको मल्टीमीटर से चेक करके देखते हैं, मल्टीमीटर से चेक करो, क्योंकि दोस्तों इन मल्टीमीटर में कैपेसिटर नापने की इकाई नहीं होती है, तो इसलिए हम इसको बी मोड पे चेक करते हैं। चलिए बी मोड पे इसको चेक करने का, देखिए दोस्तों इसमें क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, अगर सही, अगर खराब होगा, अगर शॉर्ट होगा तो क्या आएगा, बी पाएगा, और अगर खराब होगा मतलब ओपन होगा तो कोई भी रीडिंग नहीं आएगा, और सही होगा तो रीडिंग अगर छोड़ देगा तो रीडिंग आता रहेगा। तो यहां पर देखिए दोस्तों रीडिंग आके एक पर चला गया, मतलब ये कैपेसिटर एकदम सही है। चलिए अब हम बात करते हैं, अब आप ये रजिस्टर चेक करो, रजिस्टर पीछे से तो ज्यादा बेटर अच्छे से। तो ये रजिस्टर दोस्तों पीछे से चेक करेंगे तो ज्यादा अच्छे से चेक होगा, रजिस्टर भी आप इसमें चेक कर सकते हैं। रजिस्टर में आपको रीडिंग मिलना चाहिए, तो आपको अगर रजिस्टर में रीडिंग मिल रहा है तो रजिस्टर सही है, मतलब इसका माने रेजिस्टेंस उसमें बराबर है, और रीडिंग नहीं मिल रहा तो रेजिस्टेंस ओपन है। कोई दूसरा रजिस्टर चेक कर लो, अगर वो रजिस्टर में रीडिंग नहीं आ रहा है तो ठीक है, आप कोई दूसरा रजिस्टर चेक कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों रीडिंग आ रहा है, मतलब ये रजिस्टर एकदम सही है, और रीडिंग नहीं आएगा तो रजिस्टेंस एक आएगा तो रजिस्टर रजिस्टेंस मतलब ओपन है, और अगर जीरो आएगा और बीप बजाएगा तो रजिस्टेंस बेसिकली शॉर्ट है दोस्तों। चलिए ठीक, अब एक काम करो, अब ट्रांजिस्टर चेक करके बताओ। देखिए ट्रांजिस्टर ये लगा हुआ है दोस्तों, पीछे दिखाइए इसका, तो ट्रांजिस्टर ये लगा हुआ है, ये देखिए ये तीन, तो बीच वाला बेस होता है, एमिटर और कलेक्टर आजू बाजू होता है, तो बीच वाले में एक कोई से भी प्रोब रख लो, आजू बाजू में रख लो, तो एक जगह एक, तो एक साइड पर रीडिंग आएगा और एक साइड पर रीडिंग नहीं आएगा, बीप कहीं पे भी नहीं आना चाहिए, बीप आ रहा है तो वो शॉर्ट है दोस्तों। तो रीडिंग आ रहा है, पलटो अब इसको, हाँ बीच में ये लगा ब्लैक। तो देखिए दोस्तों ये ट्रांजिस्टर एकदम सही है, ठीक है सही है। चलिए तो ये ट्रांजिस्टर सही है, तो ये भी चेक किया हमने, ये भी चेक किया दोस्तों, और हमने आपको बताया है ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है, ये एसी को वोल्टेज डाउन करता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होता है जो आपको डाउन करके 5 से 6 वोल्ट पे ले आता है, और ये कैपेसिटर होता है जो आपको फिल्टर करता है वोल्टेज को, ये डायोड होते हैं जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, ये रजिस्टर होते हैं जो एसी को वोल्टेज को कम करते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, और ऐसे ही जुड़े रहे मेरे चैनल के साथ में। अगर आपको कुछ ही पूछना है तो आप कमेंट्स पे लिख के पूछ सकते हैं, और अगर आपने मेरे मोबाइल रिपेयरिंग एप्स डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप नीचे दी हुई लिंक में जाकर उस एप्स को डाउनलोड कर सकते हैं, उससे आपको बहुत कुछ सीखने मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो पर, थैंक यू वेरी मच।